जय श्री गणेशाय नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दैनिक राशिफल। दोस्तों, आज जून महीने का आखिरी दिन है, तो कैसा बीतेगा सभी 12 राशि के जातकों का आज का दिन, ये हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। और ज्योतिष के क्रम में हर दिन जो जानकारी देते हैं उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि सपने में किन चीज़ों को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि गंभीर बीमारी होने वाली है, यानी कि सपने में इन चीज़ों को देखना गंभीर बीमारी के संकेत होते हैं। लगभग हर मनुष्य सपना देखता है, सपने देखना मनुष्य जीवन का हिस्सा रहा है, मनुष्य सदियों से सपने देखता आया है, लेकिन स्वप्न ऐसे ही नहीं आता। स्वप्न शास्त्र का मानना है कि प्रत्येक सपने का मतलब होता है, ये सपने अपने अंदर भविष्य वर्तमान से जुड़े कुछ संदेश समेटे हुए रहते हैं, जिन्हें पहचान कर पाना हमारे लिए आने वाले भविष्य को आसान बना देता है। तो जाहिर सी बात है कि इन सपनों के संदेश कुछ भी हो सकते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। ऐसे में आज आपको मैं इस वीडियो में यही बताऊंगी कि किन सपनों के बारे में किन सपनों को देखकर आप पता लगा सकते हैं, जब आपको सपने आते हैं तो पता लगा सकते हैं कि गंभीर रोग से पीड़ित होने वाले हैं आने वाले समय में। तो ये जानकारी आपको वीडियो के आखिर में मिलेगी, लेकिन उससे पहले जान लीजिए आज का पंचांग क्या है। तो तारीख है 30, दिन है बुधवार, माह है अषाढ़, पक्ष है कृष्ण, तिथि की बात करें तो वह षष्ठी, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, चंद्रदेव आज कुंभ राशि में रहेंगे। वहीं अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो आज कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। राहु काल की बात करें तो दोपहर में 12:24 से 2:09 तक राहु काल है, दिशाशूल उत्तर दिशा में है। वहीं चंद्रबल की बात करें, मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशियों में चंद्रबल देखने को मिलेगा। सूर्योदय प्रातः 5:26 पे, तो सूर्यास्त शाम को 7:22 पर। यह होगी पूरी पंचांग की जानकारी, अब बताएंगे आपको आपका राशिफल जो कि चंद्र राशि पर आधारित होगा। दोस्तों, आज पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है जो कल तक रहेगा, कल सुबह 2 तक। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो नक्षत्र मंडल में 25वां स्थान प्राप्त करता है, इस नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति को माना जाता है। ये एक सोफे के अगले पाए की तरह दिखाई देता है। इस नक्षत्र का जो है लिंग पुरुष है। यह नक्षत्र कुंभ राशि और मीन राशि को जोड़ने वाला होता है। पूर्वा भाद्रपद के दो तारों से बनी रेखा को कुछ विद्वानों ने सूर्य की एक किरण माना है। पूर्वा भाद्रपद का अर्थ होता है शुभ पद, यानी भाग्यशाली पांव वाला नक्षत्र है। भाद्र या भद्र का अर्थ होता है सज्जन, शुभ, कल्याणकारी या भाग्य में वृद्धि करने वाला, और पद का अर्थ होता है चरण या पांव। इस प्रकार पूर्वा भाद्रपद ऐसा नक्षत्र है जिसके आगमन से लोगों का कल्याण हो और वह लोगों के लिए शुभ हो। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि दिन कैसा बीतेगा, और ये जो है विश्लेषण जो है आपके राशिफल का, ये नक्षत्र के आधार पर ही हमने आपको बताया है, लेकिन राशि अपनी आपकी चंद्र होनी चाहिए, यानी चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा। गणना जो है वो नक्षत्र के आधार पर की है। तो दोस्तों, दिन कैसा बीतेगा वो बताऊं उससे पहले बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं लिख रहे हैं, प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं, तो आपको क्या जो है अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है एस्ट्रोसेज वार्ता का, वहाँ क्लिक करके आप हमसे जुड़ के बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। एस्ट्रोसेज वार्ता पर आपकी हर एक समस्या का समाधान है। देश और दुनिया के अनुभवी ज्योतिषी हैं, विद्वान ज्योतिषी हैं, जो मिनटों में आपकी समस्या की जड़ को समझ कर उसका समाधान आपको दे सकते हैं। तो अभी जुड़िए एस्ट्रोसेज वार्ता पर और अपनी हर एक समस्या को जो है टाटा बाय बाय कीजिए। बाकी कोई जेनरिक आप ऐसे सवाल है आपका जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिले तो वो जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, आने वाली वीडियोस में उसे शामिल करके उसका जवाब जरूर दूंगी। बाकी शुरुआत करते हैं राशिफल की, तो मेष राशि वालों से बात करेंगे। सबसे पहले तो सेहत की दृष्टि से आज दिन शानदार रहने वाला है, सेहत में सुधार होगा और शारीरिक रूप से आप सेहतमंद रहेंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन धन का व्यय करने से पहले एक बार अनुभवी लोगों की राय जरूर जान लें। किसी को उधार दिए पैसे भी आज आपको वापस मिल सकते हैं। वहीं फैमिली लाइफ की बात करें तो आज आपके लिए घरेलू मामलों और कामकाज के हिसाब से दिन अच्छा है। पिता के साथ चल रहे मतभेदों का आज अंत होगा। वहीं अब बात करें प्रेमियों की, तो आज ऐसी संभावना है कि आप अपने प्रियतम का दिल दुखा दें। यदि ऐसा हो तो उन्हें मनाना भी आपका ही काम है, क्योंकि प्यार का रिश्ता प्यार से ही चलता है और उसके लिए भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कार्यक्षेत्र में आज आपका दिन तनावपूर्ण बीत सकता है। किसी प्रोजेक्ट की वजह से आज आपको देर तक ऑफिस में रुकना पड़ सकता है, लेकिन निराश ना हो क्योंकि आज आपका काम जो है आपको एक नई पहचान दिलाएगा। व्यापार में तरक्की पाने के लिए आज का दिन खास है। यदि आप अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन सही दिशा में करें तो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। प्यार में पड़े लोग जो हैं आज का दिन आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। वहीं आज के दिन घर में बड़े बुजुर्गों से बहस की स्थिति में ना फंसे। दाम्पत्य जीवन सामान्य रहने की उम्मीद है। वहीं छात्रों की रचनात्मकता चरम पर होगी। आप कई तरह से आज खुद को व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। गृहिणियों ने पैसे बचाने के जो प्लान बीते दिनों में बनाए थे उन्हें आज वो लागू कर सकती हैं। शुभ अंक है आपके लिए 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी, और उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है आपको, बुद्ध के बीज मंत्र का जाप करना है। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं
वृषभ राशि के जातकों की। आज आप अच्छे स्वास्थ्य का भरपूर मजा लेंगे, वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी बुलंद रहेगा। अपने कार्य में उतावलापन छोड़कर धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि हद से ज्यादा जल्दबाजी काम को बिगाड़ सकती है। अगर आप आय में वृद्धि के स्रोत खोज रहे हैं तो सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में निवेश करें। आज का समय आपके परिवार के लिए अच्छा रहेगा और आपके माता पिता अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। वहीं जो इस राशि के लोग हैं, जो ऐसा कोई काम करना चाहते हैं जिसमें परिजनों की सहमति हो, स्वीकृति हो, तो आज का दिन बेहतर परिणाम देगा। प्रेम जीवन की बात करें तो आज आपको अपने पार्टनर की तरफ से प्यार में झटका मिल सकता है और आपके कीमती तोहफे भी आज अपना जादू चलाने में विफल रहेंगे। प्रेम जीवन में किसी भी तरह की कड़वाहट ना आए, इसके लिए आपको समय समय पर अपने पार्टनर से दिल की बातें शेयर करते रहना होगा। कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी काबिलियत दिखाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपका काम खुद ब खुद दूसरों की नज़र में आएगा और आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे। बिजनेस जुड़े लोगों को आज अपने साझेदार को किसी योजना के लिए मनाने में कठिनाई हो सकती है। आज अपने बिजनेस पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचें। दिन की शुरुआत से ही आज आप सोचेंगे कि किसी जो है अकेले जगह पर जाकर आप समय बिताएं। शादीशुदा जोड़ों को आज वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए खास प्रयास करने की आवश्यकता है। वहीं वैवाहिक जीवन में प्यार बनाए रखने के लिए आज आप अपने जीवन साथी को कोई खास तोहफा दे सकते हैं। जो लोग आज बाहर घूमने जाने का प्लान कर रहे थे, आज उन्हें कुछ परेशानी उठानी पड़ेगी, लेकिन याद रहे कि ये परेशानी भी आज जो है आपको कहीं जाने से रोक नहीं पाएगी। छात्रों की बात करें तो आज दिन शुभ फलदायी रहेगा। वहीं गृहिणियों के लिए दिन की शुरुआत थोड़ी सुस्त रह सकती है। शाम के वक्त जीवन साथी आपको घुमाने ले जा सकता है। शुभ अंक जान लेते हैं आपके लिए, यानी लकी नंबर जान लें आपके लिए, तो आज आपके लिए लकी नंबर है 4, लकी कलर है भूरा और सलेटी, और उपाय के तौर पर गणेश जी को आज एक उनके मंदिर में एक काला सफ़ेद झंडा यानी कि पताका दान में दें या फिर गणेश जी की पूजा करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। अपने विचार व्यक्त करने में हिचकिचाए नहीं, आत्मविश्वास की कमी को खुद पर हावी ना होने दें, क्योंकि यह सिर्फ आपकी समस्याओं को और जटिल बनाएगा, साथ ही आपकी तरक्की में भी रोड़ा अटकाएगा। अपना आत्मविश्वास फिर से हासिल करने के लिए अपनी बात खुलकर कहें और परेशानियों का सामना होठों पर मुस्कुराहट के साथ करें। तंग आर्थिक हालात के चलते कोई अहम काम बीच में अटक सकता है, वहीं पैसों की कितनी इंपॉर्टेंस है ये व्यक्ति को बुरे समय में पता चलता है। पैसे कमाने से ज़्यादा मुश्किल होता है पैसे को संभाल कर रखना। बड़ों को कहते हुए सुना है कि कला है ये जो सबको नहीं आता, तो पैसे को सहेज के रखना बहुत ज़रूरी है। मुश्किल समय में कोई साथ दे ना दे, ये पैसा ही आपको साथ देगा, जो तो इसको आज से ही सेव करने के बारे में विचार बनाइए। भाई बहनों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है, यदि उन्हें आपकी मदद की आवश्यकता पड़े तो उनकी मदद ज़रूर करें। प्रेम जीवन में किसी वजह से अनबन की स्थिति बन सकती है। आज इस राशि के लवमेट जो है लोग अपने लवमेट को मनाते हुए नजर आएंगे। कार्यक्षेत्र की बात करें तो आज अपने ऑफिस में आपको हर कार्य को शुरू करने से पहले उसके बारे में अध्ययन करने की ज़रूरत होगी। आज उसी कार्य को करना शुरू करें जिसको आप अंत तक पूरा कर पाएं, नहीं तो आपकी छवि खराब हो सकती है अधूरे कार्यों से। अक्सर हम जल्दबाजी में उत्साहित होकर नया काम तो शुरू कर देते हैं लेकिन अंत में उसे अधूरा छोड़ देते हैं, तो आज आपको ये नहीं करना है। व्यवसायिक जातक आज अपने पार्टनर की सलाह पर ही चलते नजर आएंगे, जो आपके निजी हित के लिए थोड़ा हानिकारक साबित हो सकता है। आज कुल मिलाकर देखा जाए तो घर के लोगों के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। वहीं बात करें मैरिड लोगों की तो दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ नोकझोंक अगर हुई थी तो आज उसका हल निकल सकता है। छात्रों की बात करें तो आज के दिन कठिन मेहनत करने की आवश्यकता होगी। वहीं गृहिणियों की सुबह जो है आज अच्छी रहेगी और इसी वजह से आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद, और उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है आपको, गणेश जी की पूजा करनी है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। स्वास्थ्य के प्रति आज थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। अगर आपको कोई छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या भी है तो उसको लेकर डॉक्टर के पास जाएं। पैसों के मामले में दिन थोड़ा कमजोर रहने वाला है, धन का निवेश करने से बचना होगा। फैमिली लाइफ की बात करें तो एक बड़ा परिवार सुखी परिवार होता है, आज इस बात को आपको समझने की जरूरत है। हर परिवार में हर सदस्य को अहमियत देने की जरूरत है। लव लाइफ की बात करें तो आज कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो प्रेम की डोर को मजबूत बनाएगा। आज आपका प्रिय जल्दी ही नाराज भी हो सकता है आपसे, तो थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। कार्यक्षेत्र में आज आपके प्रयास सफल होंगे, आपके नए विचारों से सीनियर्स या बॉस प्रभावित हो सकते हैं। ध्यान रखिए नए विचार ही आपको आगे बढ़ाएंगे, आइडियाज का ही जो है आजकल सब कुछ खेल है, तो आइडियाज अपने जो है निकालते रहिए। कारोबार में परिस्थितियां आज अनुकूल रह सकती हैं, व्यापार में लाभ होगा। वहीं बात करें मैरिड लोगों की, शादीशुदा जातकों की जो वैवाहिक हैं, तो आज के दिन थोड़ा सा व्यवहार में आपका कड़वापन रहेगा, थोड़ी उदासी रहेगी आज आपके मैरिड लाइफ में। किसी कारणवश साथी और आपकी योजना पर पानी फिर जाएगा। वहीं अब बात करते हैं हमारे इस राशि के छात्रों की, स्टूडेंट्स की, तो आज का दिन अपने दिल को थाम के रखें, खुशियां कहीं से भी आ सकती हैं, दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। वहीं गृहिणियां जो हैं आज
पति की कोई बुरी आदत से आप परेशान हो सकती हैं। शुभ अंक जान लीजिए, वो है 6। शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। और उपाय के तौर पर आज के दिन हरी ज्वार का दान करें या गाय को खिलाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा, सेहत में सुधार करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। आर्थिक जीवन की बात करें तो आज के दिन निवेश करते हैं तो ये निवेश आने वाले समय में आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। वहीं आज आप अपने परिजनों के लिए कुछ घरेलू सामान और आभूषण आदि खरीद सकते हैं। पारिवारिक जीवन में आज खुशियां रहेंगी, परिवार के सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे। परिवार वाले आज आपकी दिल खोल कर प्रशंसा कर सकते हैं जिससे आपको आत्मसंतुष्टि का एहसास होगा। अगर आप प्रेम में हैं तो आज आपका प्रेमी आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा और आप ये भी महसूस करेंगे कि वो आपकी बातों को समझने की भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं हमारे इस राशि के उन लोगों की जो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। तो जॉब करने वाले जो हमारे इस राशि के लोग हैं, आज का दिन जो है आपका काफ़ी जो है आपको भ्रम से बचना होगा। करियर के लिए दिन अच्छे संकेत दे रहा है, प्रयास भी सफल होंगे, बस भ्रम से बचिए। आपके विचार जो है आज सीनियर्स को प्रभावित करने वाले हैं। कारोबार में परिस्थितियां आज अनुकूल में रह सकती हैं, व्यापार में लाभ होगा। वहीं बात करें मैरिड लोगों की, विवाहित जातकों की, तो आज के दिन जो है आपको जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है, ये आपके लिए एक सलाह है। आज थोड़ी अगर आप कोशिश और करते हैं तो जीवन साथी के साथ दिन को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। छात्रों की बात कर लेते हैं अब, यानी स्टूडेंट्स की, तो हमारे इस राशि के विद्यार्थियों के लिए दिन आज बेहद शुभ है। आज पहले की गई किसी मेहनत का आपको फल मिलेगा। वहीं जो हमारी गृहिणियां हैं, आज का दिन सामान्य से अच्छा रहेगा, कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग है भूरा और सलेटी। और उपाय के तौर पर शरीर पर किसी भी तरह का सोना या पीला धागा धारण करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। स्वास्थ्य का मिजाज आज थोड़ा बिगड़ सकता है, इसलिए जितना हो सके संतुलित भोजन खाएं और व्यायाम करें। आर्थिक जीवन की बात करें तो आज यदि आप कहीं निवेश करते हैं तो ये निवेश आने वाले समय में आपके लिए फायदेमंद होगा। फैमिली लाइफ पे चलते हैं। दोस्तों कोई भी परिवार पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता, लेकिन परिवार के लोगों को मिलजुल कर चलना है तो किसी न किसी को सामंजस्य बिठाने की कोशिश करनी ही होती है। आप भी अपने परिवार के लोगों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए प्रयास करेंगे तो स्थितियाँ ज़रूर बेहतर हो सकती हैं। बस परिवार के प्रति अपने दायित्वों को समझें। प्रेम संबंधों में पड़े इस राशि के जातक आज अपने संगी के व्यवहार से खिन्न हो सकते हैं। वहीं आपकी वाणी की कटुता आज आपके प्रेमी को भी आहत कर सकती है। हालांकि झगड़ा ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, लेकिन इससे आपके मन को आघात जरूर लग सकता है। कार्यक्षेत्र की बात करें तो आज आप कार्यक्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएंगे और बेहद खास महसूस करेंगे। आपकी मेहनत आज रंग लाएगी और संभव है कि आपकी पदोन्नति भी हो। अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले और जलन की भावना रखने वाले लोगों से आज दूर ही रहें। व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए भी आज का दिन बेहद खास रहेगा। यदि आप व्यापार के विस्तार की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं तो आज आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। अब बात करते हैं मैरिड लोगों की, यानी शादीशुदा जातकों की। तो आज जीवन साथी द्वारा परिवार और मित्रों के बीच नेगेटिव तरीके से आपके पर्सनल लाइफ की यानी वैवाहिक जीवन की बातें उजागर हो सकती हैं, जिससे आपको ठेस पहुंचेगा। छात्रों को आज पूरी तन्मयता से अध्ययन करने की ज़रूरत है। आज आपको समय का पता नहीं चलेगा कि कब दिन होगा और कब शाम हो गई, और यानी आप पढ़ाई में बहुत व्यस्त रहेंगे। गृहिणियाँ आज अपने मायके किसी प्रिय शख्स से बातें कर सकती हैं, काफ़ी सारी लंबी बातचीत होगी और दिल काफ़ी खुश रहेगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफ़ेद। और उपाय के तौर पर आज भाइयों को कुछ गिफ्ट में दें। भाई जो है ये जिसे भाई कहते हैं वो बोला भाई, किसी भी भाई को आज गिफ्ट जरूर कुछ दें, इससे पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। स्वास्थ्य में आज सुधार हो सकता है। वहीं बीते दिनों में खुद को फिट करने के लिए आपने जो भी प्रयास किए हैं उनके अच्छे फल आज आपको मिल सकते हैं। जो लोग किसी पुराने बीमारी से जूझ रहे हैं उनको भी आज थोड़ा आराम मिल सकता है। धन के मामले में आज का दिन काफ़ी बेहतर रहने वाला है और आज आपके पास एक से अधिक माध्यमों से आमदनी प्राप्त करने का सुनहरा अवसर आएगा। आप अपनी अतिरिक्त आमदनी के लिए अपने सृजनात्मक विचारों का सहारा लें। अपने विचारों के माध्यम से नए नए क्षेत्रों में धन प्राप्ति के विचार करें। इससे जहाँ एक ओर आपके अंदर मजबूत इच्छा शक्ति का विकास होगा, वहीं आर्थिक रूप से आप समृद्ध हो जाएंगे। परिवार में परिस्थिति आपके अनुकूल नजर आ सकती है। वहीं घर में परिजनों के बीच प्रेम भाव नजर आ सकता है। हालांकि घर की महिलाओं के बीच स्थिति जस की तस देखने को मिल सकती है। अगर परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी सेहत में सुधार देखने को मिल सकता है। घर में छोटे भाई बहनों को अधिक समय तक मोबाइल यूज करने से आज रोकें। अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो आज खुशनुमा रहने वाला है दिन आपका। प्रेमी से रूठे तो वो आपको मनाने के लिए आज बहुत तरीके के स्वांग रचा सकता है। जॉब में आज कोई छुपा विरोधी आपको गलत साबित करने की पूरी कोशिश करेगा तो थोड़ा सा आज आपको सतर्क रहकर चलना है। वहीं जो बिजनेसमैन लोग हैं आज तनाव से बचने के लिए अपना कीमती समय घर के बच्चों के साथ गुजारें। मैरिड हैं तो आज आपका वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन बाहरी लोगों का हस्तक्षेप वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न कर सकता है, तो उस स्थिति में थोड़ा सावधान रहिएगा। अब बात करते हैं छात्रों की, यानी स्टूडेंट्स की। तो आज का दिन
जो है आपको थोड़ा सा अपने स्वभाव में विनम्रता बनाए रखने की ज़रूरत है और पहले से पढ़ी चीज़ों को वापस से रिविजन करें, नई चीज़ों की शुरुआत ना करें। गृहिणी आज अपने जीवन साथी को ये समझाने की कोशिश कर सकती हैं कि उनके बिना उनका जीवन साथी अधूरा है। शुभ अंक 5 है शुभ रंग हरा और फिरोजी और उपाय के तौर पर साधु या गुरु को पीले या भगवे वस्त्र जो है देकर उनका पांव छूकर आशीर्वाद लें, भेंट करें उन्हें और आशीर्वाद लें। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। बाकी स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। शारीरिक शक्ति आपकी आज सामान्य से कम रहेगी, इसलिए कई जरूरी कार्य आप आज पूरा कर पाने में असफल रहेंगे। ऐसी स्थिति में आज आपको मेरी सलाह है कि प्रातःकाल जल्दी उठकर सैर पर जाएं और योग व्यायाम का सहारा लें। आर्थिक स्तर पर आज आप खुद को रोमांचक स्थिति में महसूस करेंगे। आपका ये रोमांच आज आपको विशेष रूप से आर्थिक फायदा पहुंचाएगा। वहीं अब बात करें इस राशि के लोगों के पारिवारिक जीवन की, तो परिवार में आज किसी के साथ मनमुटाव हो सकता है, इस स्थिति से बचने का प्रयास करें। वहीं अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आज आपका साथी आपके लिए कोई संदेश भेज सकता है जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो आज आपका व्यक्तित्व अपने ऑफिस में इत्र की तरह महकेगा और सबको जो है आपके काम की ओर आकर्षित करेगा। लेकिन इस दौरान आपको इस पल का आनंद उठाने के बजाय अपने शत्रुओं को नज़रअंदाज नहीं करना होगा, क्योंकि चंद्र के गोचर से उम्मीद है कि आपके विरोधी आज किसी तरह से आपको हानि पहुँचा दें। आज के दिन जो इस राशि के व्यापारी हैं, आपको विरोधियों को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाएं नहीं बनानी है, आपको अपने भविष्य को देख के अपनी योजनाएं बनानी है। मैरिड लोगों की जहां तक बात है तो जीवन साथी को लेकर मन में अगर कोई संदेह था तो उसे आज जरूर दूर कर लें, नहीं तो दरार आ सकती है। छात्रों की बात करें तो आज के दिन जो है ज्ञान प्राप्ति को लेकर बिल्कुल भी शर्म ना करें। वहीं जो हमारी इस राशि की गृहिणियाँ हैं, हाउसवाइफ हैं, आपको आज के दिन हम ये सलाह देंगे कि किसी भी कीमत पर अपना आपा ना खोएं, नहीं तो आज बात बहुत बिगड़ सकती है। तो काम की अधिकता भी आज आपके ऊपर ज़्यादा ही रहने वाली है। शुभ अंक जान लेते हैं यानी लकी नंबर। तो आज आपके लिए लकी नंबर है 7, लकी कलर है क्रीम और सफ़ेद। और उपाय के तौर पर आज पक्षियों को दाना पानी का इंतजाम करें, अगर बैल्कनी है आंगन है तो वहाँ ज़रूर रखें, इससे पारिवारिक सुख बढ़ेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। स्वास्थ्य को लेकर आज आपको चिंताएं हो सकती हैं, हालांकि दिन की व्यस्तता के कारण आप खुद को वक्त देने में असमर्थ होंगे। आर्थिक रूप से अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए आज आप अगर किसी लॉटरी में पैसे लगाते हैं तो आपको इसका लाभ मिल सकता है, हालांकि अगर आप सट्टेबाजी से दूर ही रहें तो आपके लिए बेहतर है। साथ ही साथ यदि आप किसी दिशा में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आज बिना किसी विशेषज्ञ की राय के कोई निवेश ना करें। प्रॉपर्टी और ज़मीन जायदाद की दिशा में किया गया निवेश आपके लिए लाभकारी होगा। वहीं आज के दिन जो है बात करते हैं व्यापारी वर्ग के लोग जो है अपने पार्टनर के साथ मिलकर बिजनेस में इजाफा करने में सफल रहेंगे। पारिवारिक जीवन में आज सबको जो है आपको सब सही रखने के लिए पहले से ज़्यादा कोशिश करनी होगी। वहीं प्रेम जीवन की बात कर लें तो आज बातचीत के दौरान थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। अच्छा एहसास होगा आपको प्रेमी के साथ, गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो उनकी बात को भी ध्यान से सुनने की कोशिश करें। आज इस राशि के मैरिड लोगों की बात कर लेते हैं विवाहित जातकों की। तो आज के दिन जो है विवाह के संबंध जो है आपको समझ में आएगा कि ये जो आपका रिश्ता है ये जो है मामूली नहीं है। आपका साथी आपके ऊपर कितना ध्यान देता है, आपकी हर एक छोटी बड़ी चीज़ों को आपके बिना बोले ही समझ लेता है, तो एक भाव अलग सा पैदा होगा आपके मन में। नौकरी कर रहे जातक जो है आज थोड़ा ज़्यादा भार अपने ऊपर महसूस करने वाले हैं। अब बात करते हैं हमारे छात्रों की। तो आज के दिन अपनी बातों को कहना जो है आपके पक्ष में जाएगा, अपनी बातों को रखना आपके पक्ष में जाएगा। गृहिणियों की बात कर लें तो आज समय का सही उपयोग करेंगी आप, किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़ने में भी दिन बिता सकती हैं, धर्म कर्म की चीज़ों में मन लगा सकती हैं। शुभ अंक 4 है शुभ रंग है भूरा और सलेटी। और उपाय के तौर पर आज बच्चों को स्टेशनरी का सामान जैसे कि कॉपी पेन पेंसिल इत्यादि बांटे, स्वास्थ्य अच्छा होगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। स्वास्थ्य के लिहाज से यूं तो दिन अच्छा रहेगा, लेकिन ज़्यादा मसालेदार भोजन और धूम्रपान से परहेज करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आज आर्थिक रूप से आपको काफ़ी संभल कर चलने की ज़रूरत है। कहीं से अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको पहले उसके बारे में जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए। परिवार में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है तो थोड़ा परेशान रहेंगे इस वजह से। वहीं प्रेम जीवन की बात करें तो पार्टनर का अस्थिर बर्ताव जो है आपको उदासीन बना सकता है। वहीं जॉब में आज आप किसी शेर की तरह प्रदर्शन करेंगे और अपने रास्ते में आने वाले सभी मौक़ों का लाभ उठाएंगे। इस राशि के जो व्यापारी हैं आज खाली समय आपको मिलेगा, इसका इस्तेमाल भी आप बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। वहीं वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर चुके इस राशि के जातक आज जीवन साथी से अलगाव महसूस कर सकते हैं। इस अलगाव का कारण आपके जीवन साथी का जिद्दी स्वभाव हो सकता है। वहीं अब बात करें हमारे छात्रों की तो आज पढ़ाई में आनंद आएगा। वहीं जो गृहिणियाँ हैं इस राशि की आज अपने जीवन साथी को यह समझाने की कोशिश करेंगी कि आपकी भी ज़रूरतें हैं, आपकी भी नीड्स हैं। यानी आज अपने जीवन साथी को किसी चीज़ को अपनी
आज आप अपने जीवन साथी को अपने आप को समझने के लिए उन्हें जो है उनसे बातचीत कर सकती हैं। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी, और उपाय के तौर पर आज खाने में पीली वस्तुओं का प्रयोग करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। आज के दिन सेहत अच्छी रहेगी और शारीरिक रूप से आप खुद को पहले से ज्यादा फिट महसूस कर सकते हैं। आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और इसकी वजह से आपको थोड़ी प्रसन्नता अवश्य होगी। पैसे का लगातार पानी की तरह बहते रहना आज थोड़ा आपके लिए स्थिति को चिंताजनक बना सकता है। वहीं परिवार में किसी सदस्य की अचानक तबीयत खराब हो सकती है, जिससे परिवार का माहौल थोड़ा निराशापूर्ण हो सकता है। आज आप अपने संगी को हर प्रकार से खुश करने की जुगत में रहेंगे। प्रेम जीवन में आज आपको आनंद का अनुभव होगा। वहीं कारोबारियों को आज के दिन किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने से बचना चाहिए। जो लोग नौकरी पेशा हैं, कार्य क्षेत्र में मन मुताबिक फल मिल सकता है। वहीं जो हमारे इस राशि के मैरिड लोग हैं, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा बीतेगा। जीवन साथी का आपके प्रति समर्पण आपको ऊर्जावान बनाएगा। अब बात करते हैं हमारे इस राशि के जातकों के जो छात्र हैं, तो दिन अच्छा है, ज्ञान में वृद्धि हो सकती है। मित्र सहपाठी आज आपकी मदद करेंगे। गृहिणियों को आज जीवन साथी की बातों पर प्यार आ सकता है। दिन अच्छा है, इसका आनंद ले। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है, आज के दिन आपको गणेश जी की पूजा करनी है। भाग्यस्तार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। स्वास्थ्य जीवन सामान्य रहने की संभावना है। बाहर का तला भुना खाने से बचें, पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इस राशि के कुछ लोगों को। पैसों की बात करें तो धन आने की भी संभावना है। वहीं पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार में आज सबके बीच आप आकर्षण का केंद्र रहने वाले हैं। कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन अच्छा बीतेगा। लव लाइफ की बात करें तो आज अपने प्रियतम संग अपने सपनों की दुनिया में गुम होना चाहेंगे, लेकिन सभी भावनाओं के बावजूद आपको खुद पर काबू रखना होगा और ऐसा कोई काम नहीं करना होगा जिससे आपकी छवि या आप दोनों का ये पवित्र रिश्ता दागदार हो। अपने रोमांस को चरम पर पहुंचाने के लिए यदि आज अपने साथी पर किसी प्रकार का दबाव बनाएं तो ये आपके लिए बेहद गलत होगा। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन खासा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। नए बिजनेस की नींव रखना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत के लिए दिन अच्छा नहीं है, आज ना करें ऐसा। दाम्पत्य जीवन का आनंद आज आप उठा सकते हैं। जीवन साथी अगर किसी चीज़ की मांग करें तो आप इनकार ना करें, कोशिश करें। अगर असमर्थ है तो उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करें। छात्रों के सितारे आज उनका साथ देंगे। आज पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने में आप सक्षम हो पाएंगे। वहीं गृहिणियों की बात कर लें तो आज के दिन थोड़ा ध्यान रखना है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है आपका। शुभ अंक जान लेते हैं आपके लिए, तो वो है 8, शुभ रंग एक काला और नीला। और उपाय के तौर पर आज पक्षियों को मीठा खिलाएं। भाग्यस्तार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों अभी तक हमने जाना कि आज का दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। अब बारी है उस खास जानकारी की जिसके विषय में मैंने वीडियो के शुरुआत में चर्चा की थी, यानी किन सपनों को देखकर हम पता लगा सकते हैं जब सपने आते हैं, तो किन सपनों से हम ये पता लगा सकते हैं कि आने वाला समय हमारे शारीरिक तौर पर हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो पहला सपना है, यदि कोई जातक सपने में यह देखता है कि शरीर पर दूध आदि का लेप लगाया जा रहा है, तो यह सपना निकट भविष्य में होने वाले किसी गंभीर रोग का सूचक है। इसके साथ ही शरीर पर दूध, तेल, दही या घी की मालिश होने का सपना देखे तो यह भी सपना अच्छा नहीं माना जाता। इस सपने का भी अर्थ यही है कि आप जल्दी ही बीमार पड़ने वाले हैं। इसके अलावा शरीर पर यदि घास उगती दिखे तो भी आपके स्वास्थ्य के लिहाज से एक बुरा सपना है और आपको सावधान रहने की जरूरत है। दूसरा सपना, यदि आपको यह दिखता है कि आप शौच के लिए जा रहे हैं तो यह पेट से जुड़ी समस्या का सूचक है। इसका अर्थ है कि निकट भविष्य में आपको पेट से जुड़ी किसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में जातकों को तुरंत सावधान होकर अपने खान पान संबंधी आदतों में सुधार करना चाहिए। पेट से जुड़ी समस्या होने पर चिकित्सीय सलाह जरूर लेना चाहिए। तीसरा सपना है, सपने में यदि कोई जातक स्वयं को लाल चंदन लगाता दिखे तो यह स्वप्न भी रोग के आगमन का सूचक है। इसके अलावा सपने में किसी स्त्री को स्नान करते देखना भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एक बुरा सपना माना जाता है। साथ ही यदि आपको सपने में कोई हंसती या गाती स्त्री नजर आए तो यह भी सपना जो है आपके बीमार होने का सूचक है। सपने में रोती हुई स्त्री का दिखना भी रोग के आगमन का सूचक माना जाता है। सपने में भयानक आकृति का कोई व्यक्ति दिख जाए तो इसका अर्थ है कि जातक जल्द ही बीमार होने वाला है। तो ये कुछ ऐसे सपने हैं जो कि अगर आपको दिखते हैं तो ये आप समझ जाइए कि आप बहुत जल्द बीमार होने वाले हैं। तो चौथा सपना है कि सपने में शव का दिखना भी शुभ नहीं माना जाता। ये स्वप्न भी इस बात की ओर इशारा करता है कि आप जल्द ही बीमार हो सकते हैं। साथ ही बाल झड़ना और नाखून के टूटने का सपना भी निकट भविष्य में जातक के बीमार होने की तरफ इशारा करता है। और पांचवा सपना है कि यदि सपने में आपको कोई स्त्री काले वस्त्रों में नजर आती है तो ये समय आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से सावधान रहने की जरूरत है। इस सपने का अर्थ है कि आप जल्द ही किसी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको सपने में पानी या फिर कोई जलाशय नजर आता है तो इस बात का सूचक यह है कि आप जल्दी बीमार हो सकते हैं। इन सभी स्थितियों में आपको सावधान रहने की जरूरत है, स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की भी। इनमें से कोई भी स्वप्न आपको दिखे
तो स्वास्थ्य बिगड़ने पर लापरवाही ना करें और चिकित्सीय परामर्श अवश्य लें। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि आप ही जो सवाल लिखते हैं उनमें से कमेंट बॉक्स में से पिक करके मैं आपके सवालों का जवाब देती हूं। तो कल का भी वीडियो बेहद खास है, आज मैं आपको नहीं बताऊंगी कि कल मैं आपको कौन सी खास जानकारी देने वाली हूं, उसके लिए आपको कल का वीडियो देखना होगा। ये जानकारी भी बहुत ही खास है आपके लिए और आपकी लाइफ में बहुत ही मददगार रहेगी। तो मैं ऐसे सवाल शामिल करती हूं जो आप रोज़मर्रे के जीवन में आप जो वो चीज़ें चीज़ों से गुजरते हैं जिनको शामिल कर सकें। बाकी जाने से पहले जिन लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, उनको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो ज़रूर कराइए जाकर, क्योंकि अभी भी जो स्थितियां हैं वो बहुत बेकार हैं। तो आपको अपने आप को जो है संभाल कर लेकर जाना होगा। सैनिटाइज़र, मास्क और लोगों से थोड़ी सी दूरी, ये तीन चीज़ें अगर करते हैं तो बचकर रहेंगे। और साथ ही वैक्सीनेशन तो ज़रूर कराएं। गवर्नमेंट भी इस चीज़ पर जोर दे रही है और सरकार जो ये चीज़ें दे रही है, सुविधाएं जो दे रही है, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। तो स्लॉट बुक कीजिए और जाइए और फटाफट वैक्सीनेशन लीजिए। बाकी अगर कोई सवाल है, प्रॉब्लम है जीवन में आपकी, हमारे द्वारा बताए गए इन उपायों से भी आपको मदद नहीं मिल पा रही है, लाचार हो चुके हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है मैंने इस प्रोसेज वार्ता का, क्लिक करके बात कीजिए। हम आपको पूरी गारंटी देते हैं कि आपकी समस्या का समाधान आपको ज़रूर मिलेगा और बहुत ही आसान और सटीक उपायों से। बाकी मिलते हैं कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। फॉर रेगुलर अपडेट्स फॉलो अवर इंस्टाग्राम पेज राइट नाउ।